नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अमरवाड़ा में कांग्रेस की बढ़त बरकरार है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें, कांग्रेस उम्मीदवार धीरन शाह 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं और 15वें राउंड में भी कांग्रेस की बढ़त बरकरार है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह अभी कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर मिल रही अपडेट, जहां काउंटिंग में 15वें राउंड की काउंटिंग चल रही है और अभी तक जो बढ़त है वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार धीरन शाह के पास है और करीब करीब 4000 वोटों से बढ़त उनकी 15वें राउंड तक बनी हुई है। और आगे देखने का विषय यह होगा कि क्या ये बढ़त बरकरार रखते हुए कांग्रेस पार्टी बाजी मारेगी या फिर कोई उलटफेर आगे आने वाले राउंड्स की काउंटिंग में देखने को मिल सकता है। और आगे आने जो काउंटिंग के दौर में आंकड़े सामने आने हैं उनकी यदि बात करें तो अब अमरवाड़ा की ये जंग और दिलचस्प हो चली है। कांग्रेस के उम्मीदवार धीरन शाह इनवाती आगे चल रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कमलेश शाह ने अभी जो शुरुआती बढ़त बनाई थी उसके बाद वो कुछ अपेक्षाकृत पीछे चल रहे हैं। 4000 वोटों से आगे चल रहे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और लगातार काउंटिंग के ऊपर भी नजर हम बनाए हुए हैं। काउंटिंग से जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरी अमरवाड़ा की जंग में कांग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत झोंके हुए थे और अब देखना यह होगा कि आखिर यहां पर जीत किसकी होती है। हल्के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने यहां से जीत दर्ज की थी, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से। और अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने दावा किया है रुझानों पर। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दावा किया अमरवाड़ा में बीजेपी की जीत होगी और अभी जो रुझान आए हैं ये प्रारंभिक हैं। 5 राउंड और 7 राउंड का क्या परिणाम है, इससे हमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे छिंदवाड़ा में लोकसभा हम जीते हैं वैसे ही 18 या 20 राउंड जितने भी होने होंगे जब वो पूरे हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अमरवाड़ा उपचुनाव के रुझानों को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये सरकार के बदलाव और कांग्रेस के वैभव के लौटने की शुरुआत है। उनकी माने तो अमरवाड़ा का ये उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी और कार्यकर्ता और वोटर्स बदलाव के मूड में है। कार्यकर्ता और हमारे वहां के वोटर सब बदलाव के दौर में थे। ये मैसेज था कि जो दल बदल करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जनता का मत है। ये शुरुआत है असल में, ये जो 3C की सरकार है इसके बदलाव की और कांग्रेस के वैभव लौटाने की भी शुरुआत है। तो मैं मानता हूं, पूरा भरोसा है कि अमरवाड़ा अंतोगत्वा। तो भोपाल में दावा कर रहे हैं बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं, राजेश करमेले अमरवाड़ा से मौजूद हैं। राजेश, आपसे शुरुआत करेंगे, क्या है अपडेट्स, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, कितने राउंड की काउंटिंग अभी होना बाकी है? जी देखिए, अभी तक जो काउंटिंग हुई है वो 17 राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है, 18वां राउंड चल रहा है। 17 राउंड की काउंटिंग में लीड जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, मतलब बीजेपी की उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी के नेताओं की माने तो जो लीड का अंतर है वो तकरीबन 2500 के आसपास पहुंच गया है। बीजेपी का मानना है कि आखिरी के जो 2 राउंड होंगे उसमें वो बढ़त बना लेगी। काफी कम मार्जिन है लीड का और इसको लेकर बीजेपी आशान्वित है। उधर कांग्रेस की सांसें रुकी हुई है। कांग्रेस के नेताओं की माने तो उनका कहना है कि आखिरी के 2 राउंड लीड में वो परिवर्तित हो जाएंगे और वो निकाल लेंगे चुनाव। बेहद दिलचस्प, बेहद रोचक हो रहा है। जब से मतगणना शुरू हुई है तब से अप एंड डाउन का सिलसिला चल रहा है। हालांकि 3रे राउंड के बाद कांग्रेस ने बढ़त हासिल की थी, 6000 से बढ़त घट करके 2 से 2500 तक आ गई है। ये मुकाबला जो है वो अंतिम राउंड तक बेहद रोचक होने वाला है। जी बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर अभी राजेश जो आपने बताया वो सब वर्तमान घटनाक्रम है, लेकिन आगे की क्या संभावनाएं हैं, कितने राउंड्स की काउंटिंग टोटल अभी होनी है, ताजा अपडेट्स क्या कुछ कहते हैं?
देखिए दो राउंड की काउंटिंग अभी बची हुई है, दो राउंड की ही मतगणना जो है उसी पे सारा खेल डिपेंड है, सब कुछ उसी पे लगी हुई है, सारी आंसे उसी पे लगी हुई है कि यहाँ से कौन लीड करता है। और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेता वहाँ मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम नेता वहाँ मौजूद हैं, लगातार उनकी निगाहें लगी हुई है ईवीएम पर कि कहीं ना कहीं कोई ईवीएम उनके लिए पॉजिटिव संदेश लेकर आए। और यही वजह है कि अब काउंटिंग का जो इलाका है जहाँ पे मतगणना हो रही है वहाँ पे गहमा गहमी का माहौल तेज हो गया है। जी 18 राउंड की काउंटिंग तक या 17 तक लीड किसकी और कितनी है लगभग, क्या इस बारे में भी कोई अपडेट मिल पाया? जी बिल्कुल, देखिए 18 राउंड की जो काउंटिंग हुई है तब तक लीड जो है 2 से 2500 के आसपास कांग्रेस की लीड है और बीजेपी को उम्मीद है कि 2 राउंड की गिनती और बाकी है, ये 2 ही राउंड तय करेंगे। जी चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। शैलेंद्र इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है। शैलेंद्र, दावे जहां जीतू पटवारी कर रहे हैं वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी दावा कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दोनों दावा कर रहे हैं और जैसा कि राजेश बता रहे हैं अभी सिर्फ 2 ही राउंड की काउंटिंग बाकी और लीड फ्लक्चुएट हो रही है, कभी कांग्रेस की तरफ हो रही है तो कभी बीजेपी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि दोनों ही राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जिस तरीके से सुबह जब प्रारंभिक रुझान आए थे, पहले बीजेपी आगे थी, बाद में कांग्रेस ने जब लीड ली तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रारंभिक रुझान है, अभी फाइनल आंकड़े आने दीजिए, बीजेपी जीत दर्ज करेगी। लेकिन हमने देखा कि लगातार जो है वो कांग्रेस लीड बनाए हुए, हालांकि एक बात सही जो आपने कही है कि लीड जो है वो लगातार फ्लक्चुएट कर रही है, कभी 4500 तक लीड थी, अब वो घटकर 2 से 2500 के आसपास आ गई। हालांकि जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ है वो साफ तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि जो देश भर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन की जीत हो गई, ये दावा वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मैजिक चलता था बीजेपी का अब वो धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है और यही कारण है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 200 से अधिक बूथ पर वो लगातार छिंदवाड़ा के जो अमरवाड़ा चुनाव में वो पहुंचे थे और एक एक कार्यकर्ता से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा है कि सभी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित थे और जो कमलेश शाह ने जिस तरीके से पार्टी छोड़ी और कांग्रेस के साथ जो दगाबाजी की और उसी के चलते जो है वो कार्यकर्ता काफी उनसे नाराज थे और उसी का परिणाम जो है वो इन जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें देखने को मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि बीजेपी के लोग हैं, दावा कर रहे हैं, करने दीजिए, आखिरी जीत जो है वो कांग्रेस की होगी। हालांकि अब देखिए जिस तरीके से जो अब काउंटिंग जो है वो फाइनल स्टेज पर आ चुकी है, 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 19 राउंड की कुल काउंटिंग होनी है, केवल महज 2 राउंड की काउंटिंग बची है। हालांकि लीड जो है वो बहुत ज्यादा नहीं कही जा सकती क्योंकि देखिए 2 राउंड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरे समय ये देखने को मिल रहा है कि जो फाइट है वो लगातार कांटे की टक्कर ये इसमें देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि जब 19 राउंड की काउंटिंग पूरी होती है तो कौन सा प्रत्याशी बिल्कुल होता है, प्रत्याशी कौन जीतेगा और किसको मिलेगी मात, कुछ और वक्त करना होगा इंतजार। लौटेंगे आप दोनों के पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और उज्जैन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब त्रिवेणी ब्रिज के पास शिप्रा नदी में बोरे में बंद तैरती हुई एक महिला की लाश मिली। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उसे खोला तो उसमें हाथ और पांव बांधकर एक महिला की लाश डालकर फेंकी हुई थी। पुलिस को आशंका है कि इसकी हत्या कर किसी ने बोरे में बंद कर इसे फेंक दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजय पटवा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। अजय, आखिर क्या है ये पूरा मामला? ये देखिए, उज्जैन के नागिरी थाना क्षेत्र के त्रिवेणी ब्रिज के पास शिप्रा नदी में आज सुबह बोरे में बंद एक लाश तैरती हुई नजर आई, जिसके बाद उसको खुलवा कर देखा तो उसमें एक महिला का शव पड़ा हुआ था, वही महिला के हाथ पर भी बंधे हुए थे। इस पर पुलिस ने जो है हत्या की आशंका दर्ज करते हुए और इस पर पूरा मामले में जांच शुरू कर दी है कि आखिरकार महिला कहाँ की रहने वाली है, इसका पता लगाने में लगी है। अब पुलिस इस विषय में पता लगा रही है कि आखिरकार ये महिला का शव जो है, क्योंकि बारिश का सीजन है और पानी बहता हुआ है, तो आखिर कहाँ से आ रहा है, तो अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच में लगी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आज आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि सीहोर में क्लास के दौरान एक पंखा गिरा एक छात्रा के ऊपर जिसको चोट आई है काफी, और मामला आष्टा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बताया जा रहा है। और ये तीसरी कक्षा की छात्रा के सिर पर पंखा गिरा और पंखा गिरने की वजह से छात्रा को चोट आई है। आनंद फानंद में उसे अस्पताल भी ले जाया गया और आपको बता दें कि उसका इलाज भी चल रहा है और इस दौरान इलाज में किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो इसके लिए भी
प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए, जबकि स्कूल में क्लास के दौरान पंखा गिरने की इस पूरी दुर्घटना पर आगे क्या स्थिति रहेगी, बच्ची की क्या डिटेल है, कौन सा हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और आगे इस बारे में क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। पुष्पा हॉस्पिटल स्कूल में कक्षा तीसरे की बच्ची के कक्ष में एक पंखा गिरा है। जैसे मुझे सूचना प्राप्त में गया था, बच्ची को अभिभावकों प्रिंसिपल भोपाल देखे गए हैं। अभी कैसी स्थिति है, अभी सूचना करके बताते क्या स्थिति है। सर ये घटना कैसे क्या हुई, कुछ जानकारी आई? ये वो पंखा लगा था, पंखे का नट टूटा और पंखा गिरा। और बढ़ते आगे करेंगे अगली खबर का, जो दमोह से आ रही है। दरअसल व्यारमा नदी में एक मगरमच्छ का आतंक इस वक्त व्याप्त है। 11 साल के एक मासूम बच्चे पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया और बच्चे को नदी में खींचकर वो ले गया और मगरमच्छ लगातार दूसरे दिन हमला करने का ये मामला सामने आया है। दरअसल शुक्रवार को एक और शख्स पर हमला किया था मगरमच्छ ने और अभी उसकी तलाश की जा रही है और उस मगरमच्छ को किसी ऐसी जगह करना होगा जहां पर कि वो लोगों पर हमला ना कर सके। और यहां दो लोगों पर हमले की बात सामने आई है जिसमें एक मासूम बच्चे को अपने साथ खींच कर ले गया मगरमच्छ। किनारे लगाओ। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब बच्चे की तलाश के लिए बोट में बैठकर कुछ अधिकारी कर्मचारी नदी में उतरे थे और ये तस्वीरें दमोह से सामने आई। और नरसिंहपुर टोल नाके के कर्मचारियों की दबंगई का एक मामला सामने आया। कर्मचारियों ने एक शख्स को बुरी तरह से पीटा और युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। लखनादौन नेशनल हाईवे के महमदपुर टोल नाके की पूरी घटना है और पुलिस इस वायरल वीडियो की अभी तक पुष्टि नहीं कर रही है। और देखिए ये मारपीट कर्मचारियों की तस्वीरें मारपीट के दौरान की, जहां पर ये मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया इसकी पुष्टि अभी तक पुलिस ने भी नहीं की है और टोल नाके के कर्मचारियों की मारपीट का ये वीडियो, जहां टोल नाके के कर्मचारियों ने एक शख्स को बुरी तरह से पीटा है और लखनादौन नेशनल हाईवे पर महमदपुर टोल नाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वो वीडियो मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर और हम उस व्यक्ति की खोज कर रहे हैं, कौन व्यक्ति है, कौन सज्जन है और टोल को भी हम चेक करेंगे कि उनके यहाँ उनके यानी सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, उनके यहाँ क्या घटना घटित हुई है और जो भी फरियादी आपके माध्यम से मैं उसे अवगत कराना चाहता हूँ तो आ जाए और हम उपयुक्त धाराओं में। और हमारे सहयोगी आशीष जैन जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, आखिर ये वायरल वीडियो के बारे में कोई डिटेल मिल पाई क्या? जी, इस बारे में पुलिस कप्तान और एडिशनल एसपी दोनों से बात हुई है। फिलहाल तो ये इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो वहां रहने वाले लोग हैं उनसे बात की है कि ये लोकेशन क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये लोकेशन बपोरी जो महमदपुर टोल नाका है वहां की है और उसके आधार पर अब पुलिस ये जांच कर रही है। फिलहाल में कोई फरियादी या किसी प्रकार का पीड़ित सामने नहीं आया है जिससे पुलिस के लिए ये पहेली बना हुआ है वीडियो, लेकिन जिस तरह से टोल के कर्मचारी मारपीट कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं वहां लोकल के लोग बता रहे कि ये लोकेशन वही है, तो इससे समझा सकता है कि टोल पे भी अब लोगों को चलने के लिए खौफ जदा है, दहशत है, तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि पुलिस को मामले में संगीनता से कार्रवाई करना पड़ेगी। लेकिन आशीष, इस बारे में एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस आखिर इसमें क्या भूमिका निभा रही है, पुलिस क्यों नहीं इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई कर रही है, वीडियो की सत्यता की जांच हो रही है क्या? जी बिल्कुल, अभी इस मामले में जब एसपी से बात की है तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वीडियो सामने आया है ये कहीं ना कहीं उनके पास सोशल मीडिया या पत्रकारों के जरिए बात आई है, लेकिन इसमें जो फरियादी है जो पिट रहा है, जिसके साथ पिटाई की गई है, जो पीड़ित है, उसने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की है। और एक बात और सामने आ रही है कि टोल कर्मचारी या टोल जो कंपनी है उसका और जो पीड़ित है उसके बीच में कोई समझौता हो गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। देखना होगा कि अगर समझौता हो गया है तो स्वाभाविक है कि कोई पुलिसिया कार्रवाई के लिए शिकायत नहीं दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे खबर शाहजहांपुर से,
जहां स्थानीय विधायक अरुण भीमावत के छोटे भाई की सड़क हादसे में दुखद मौत हो गई। विधायक के छोटे भाई दीपक भीमावत स्कूटी से जा रहे थे, इस दौरान एक बाइक से उनके स्कूटी की टक्कर हो गई और वे हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश की वित्तीय राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में आयोजित उद्योगपतियों के इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया और इंटरैक्टिव सेशन में ताजमहल में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित ये इंटरैक्टिव सेशन, जिसमें GIS 2025 को सफल बनाने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर मध्य प्रदेश में निवेश करने का न्योता दिया। मुलाकात के बाद उन्होंने एक पोस्ट करके कहा कि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और आप निवेश कीजिए, शानदार उपलब्धियां मिलेंगी। कि आइए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार उनका स्वागत करती है, जिसके माध्यम से न केवल इकोनॉमी की दृष्टि से मध्य प्रदेश समर्थ होगा, रोजगार की दृष्टि से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और भारत में कुल मिलाकर GDP बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। और बढ़ते आगे, राजस्थान के सवाई माधोपुर में BJP प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और इस दौरान उनका भव्य स्वागत हुआ। शिवराज सिंह को भगवान त्रिनेत्र गणेश जी की प्रतिमा, रणथंबोर के टाइगर की तस्वीर भेंट की गई और इस दौरान जिले के पदाधिकारी इस बैठक में पहुंचे थे। सवाई माधोपुर राजस्थान पहुंचे जब शिवराज सिंह चौहान, और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में शामिल होने के लिए सवाई माधोपुर पहुंचे थे और उनका भव्य स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वे लोक संगीत पर झूमते नजर आए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजधानी गुवाहाटी में एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान बांस से बने हुए लोक वाद्य यंत्र की धुन पर वे खुद को रोक नहीं पाए और कलाकारों के साथ झूमते नजर आए, आनंद लेते नजर आए। असम गुवाहाटी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।